हे व्हाट्स अप बडीज, मेरा नाम है आतिफ और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से सॉफ्ट बॉक्सेस के बारे में। अब सॉफ्ट बॉक्सेस कई तरह के होते हैं, जैसे कि स्क्वायर बॉक्स, पैराबोलिक बॉक्स एंड ऑक्टा बॉक्स। अब इन सभी सॉफ्ट बॉक्सेस के दो काम होते हैं। पहला ये कि अपने सब्जेक्ट पे सॉफ्ट लाइट की ज़रूरत पड़ने पर ये सॉफ्ट बॉक्स यूज़ किया जाता है, तभी इनका नाम सॉफ्ट बॉक्स है। अब वो कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जब हम सॉफ्ट बॉक्स के पीछे फ्लैश लाइट लगाते हैं तो आप जानते हो कि फ्लैश लाइट की लाइट काफ़ी हार्ड होती है, जब वो निकलती है तो काफ़ी हार्ड होती है। तो सॉफ्ट बॉक्स के अंदर एक सॉफ्ट क्लॉथ होता है, यानी कि एक वाइट कलर का रिफ्लेक्टर जैसा एक क्लॉथ होता है। तो जब सॉफ्ट बॉक्स से लाइट अंदर से होकर गुजरती है तो वहाँ पर वो जो क्लॉथ पे लाइट पड़ती है और उससे जब वो रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो वो सॉफ्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि उसके शेडोज़ कम हो जाते हैं, उसकी जो हार्डनेस होती है वो कम हो जाती है। और जब वो सब्जेक्ट पे वो लाइट इनडायरेक्टली पड़ती है तो वो काफ़ी अच्छे सॉफ्ट तरीके से चेहरे पे नज़र आती है, यानी कि सब्जेक्ट के जो शेडोज़ होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट और ब्लरी आते हैं, ना कि पूरे एकदम से हार्ड लगते हैं। तो ये काम करते हैं सॉफ्ट बॉक्स। एंड दूसरा सबसे बड़ा काम इसका ये होता है कि अपने सब्जेक्ट की लाइट की डायरेक्शन को मेंटेन करना, और यही कारण है जिसके लिए शेप्स और साइज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी कि किस साइज़ के, किस शेप्स के आपको सॉफ्ट बॉक्स लेने चाहिए किस टाइप की लाइट के लिए, ये आपको डिसाइड करना होता है। अब बात निकली है सॉफ्ट बॉक्स के डायरेक्शन की, तो मैं आपको बता दूँ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फ्लैश जब भी फायर होता है तो वो चारों तरफ फायर होता है, यानी कि एक सोर्स होता है लेकिन वो चारों तरफ उसकी लाइट फैलती है। लेकिन सॉफ्ट बॉक्स क्या करता है, उन सारे लाइट्स को एक जगह जमा करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल कि आप अपने सब्जेक्ट पे अगर उस लाइट को सिर्फ थ्रो करना चाहते हो तो वो उस सब्जेक्ट पे ही थ्रो करता है, ना कि उसके आसपास कोई से एरिया में ज़्यादा फैलता है। हाँ, आप अगर फैलता तो है वैसे, लेकिन उस फैलने को भी आप रोक सकते हो अगर आप ग्रिड की मदद लो तो। अब जैसे कि आप जानते हो कि फैशन फोटोग्राफी में बैकग्राउंड डार्क होता है, बहुत सारे फ़ोटोज़ में बैकग्राउंड डार्क होता है और सिर्फ सब्जेक्ट ही वेल एक्सपोज रहता है, तो वो चीज़ इन सॉफ्ट बॉक्स के थ्रू ही होता है। यानी कि जब सॉफ्ट बॉक्स सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर उनका लाइट सोर्स पड़ता है और उनके बैकग्राउंड पे लाइट नहीं जाता, बैकग्राउंड एक्सपोजर को अपने शटर के हिसाब से मेंटेन करा जाता है और उसके बाद लाइट को एक पर्टिकुलर पावर में डाला जाता है जिससे सब्जेक्ट एक्सपोज हो लेकिन बैकग्राउंड शटर के वजह से कम एक्सपोज हो, तो इस तरह से एक डार्क फोटो क्रिएट होती है। और यही कारण है कि फैशन फोटोग्राफी के फील्ड में सॉफ्ट बॉक्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड हमेशा यूज़ किया जाता है। बैकग्राउंड में आपको थोड़ा नॉइस आ रहा होगा, थोड़ा या ज़्यादा भी आ रहा होगा, मुझे तो इस वक्त नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल एडजस्ट कर लीजिए, जो नॉलेज है उसे गेन कर लीजिए, बाकी सब चीज़ को इग्नोर। और हाँ, इस बैकग्राउंड को भी अगर इग्नोर कर लीजिएगा तो इसी बात पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने एक सॉफ्ट बॉक्स परचेस किया है और उस सॉफ्ट बॉक्स को मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ और उस सॉफ्ट बॉक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देने वाला हूँ और कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाने वाला हूँ क्लिक करके। तो चलिए रिव्यू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर परचेस किया है एक 25 इंच का सॉफ्ट बॉक्स जो कि कुछ इस तरह के पैकिंग में आता है। ये एक लाइट वेट कैरी बैग टाइप का ही है। तो सबसे पहले इसे निकालते हैं इससे, और बाहर निकालने पे सॉफ्ट बॉक्स कुछ इस तरह का देखने को मिलता है हमें, और इसे असेंबल करना बहुत ही आसान है। बस आपको इस तरह से इसके स्पोक्स को पकड़ना होता है और ऊपर की तरफ खींचना होता है और ये अपने आप लॉक हो जाता है। इसी तरह सभी स्पोक्स को लॉक करने के बाद ये सॉफ्ट बॉक्स खुल जाता है, और पूरी तरह से खुलने के बाद इसके अंदर आपको एक सिल्वर रिफ्लेक्शन दिख जाता है। इसके साथ हमें मिलता है दो डिफ्यूजन क्लॉथ जो कि एक अंदर की तरफ लगता है और एक बाहर की तरफ। तो आइए चलिए सबसे पहले डिफ्यूजन क्लॉथ को लगा लेते हैं। इसमें छोटा वाला डिफ्यूजन क्लॉथ कुछ इस तरह से लगता है इसके अंदर, उसी तरह से इसके बाहर वाले क्लॉथ को भी ऐसे ही आप लगा सकते हो चारों तरफ से। और फाइनली कंप्लीट होने के बाद आपको इसके पीछे देखने को मिलता है एक एस ब्रैकेट वाला माउंट, और साथ ही ये फ्लैश होल्डर का भी काम करता है। ब्रैकेट के नीचे आपको एक स्टैंड माउंट भी मिलता है जिससे आप स्टैंड पे माउंट कर सकते हो इस सॉफ्ट बॉक्स को। बस आपको ये नट खोलना है और उसको स्टैंड के अंदर डाल के टाइट करना है।
तो आपको बस इस होल्डर वाले नट को खोलना है और अपने फ्लैश को इसके अंदर डाल के टाइट करना है। एंड अब फाइनली कंप्लीट है आपका पूरा एक लाइटिंग सेटअप। बात करूं अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो काफ़ी मजबूत स्पोक्स मिल जाते हैं इसके साथ। इसका कवर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। रही बात इसके ब्रैकेट की, तो ये भी काफ़ी हेवी ड्यूटी लगता है। अच्छी बात यह है कि क्विक असेंबल हो जाता है, ज़्यादा तामझाम करना नहीं पड़ता। किसी भी सिचुएशन पे आप तुरंत इसे असेंबल करके अपडेट हो सकते हो। अगर बात करूँ इसके प्राइस की, तो 3,000 रुपये के रेंज में ये सॉफ्ट बॉक्स आता है। तो दो कंपनियाँ इस 25 इंच के सॉफ्ट बॉक्स को, यानी कि ऑक्टा बॉक्स को प्रोवाइड करवा रही हैं, एक सोफी और एक डिजिटेक। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आपको जहाँ से अच्छा लगा हो आप परचेस कर सकते हो। एंड गाइस, ये कुछ फोटोज हैं जो मैंने इस सॉफ्ट बॉक्स के थ्रू लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है मेरे लिए, जैसे कि मतलब आउटडोर शूट के लिए मोस्टली मैं इसे यूज़ करता हूँ। बहुत जल्दी असेंबल हो जाता है और बहुत जल्दी मैं इसे डी असेंबल भी कर सकता हूँ, तो इस मामले में मेरे लिए ये बहुत काम आता है, क्योंकि मैं कोई एक जगह में शूट किया, तुरंत असेंबल किया और फ़ोटो क्लिक किया और फिर वहाँ से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र किया, तो इस चीज़ के लिए मुझे ये सॉफ्ट बॉक्स काफ़ी काम आता है। और रही बात नाइट की, इंडोर की, तो इंडोर में भी अच्छे से काम करता है, लेकिन अगर इसके साथ इसका ग्रिड हो तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, ज़्यादा अच्छे से डायरेक्शन मिलेगा लाइट का। एंड सौ की एक बात कहूँ तो सारा खेल कलाकारी का है। अगर आप कलाकार हो, आपके अंदर टैलेंट हो, तो इक्विपमेंट्स मैटर नहीं करता। आपको कुछ भी दे दिया जाए, आप उससे कलाकारी कर लोगे। सो ऐसे ही कुछ है। ये सॉफ्ट बॉक्स भी अच्छा है, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस मैंने अपनी खुशी के लिए एक रिव्यू कर दिया। एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये नया चैनल है, आपका भाई नया यूट्यूबर है और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बाय।